नमस्कार, कैसे हो आप सब। शोले मूवी आप सबने देखी होगी। शोले मूवी में एक मौसी का किरदार है, आप सबको ध्यान में है, ये क्लिप देखिए। अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है, बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। देखा आपने, ये थे शोले में किरदार निभाने वाली मौसी। इन मौसी के बारे में आज हम जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। इन मौसी का सफर बॉलीवुड में कैसे रहा, आइए जानते एक छोटी सी जर्नी। कहते जाओ जो जी में आए कहते जाओ, लेकिन याद रखो औरत न होती तो दो वक्त पति पकाई भी न खा। महज 12 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी और 17 साल की उम्र में इनको दो बेटियां हो गई थी। नौकर सब क्या हुए? क्या पता कहां मर गए हैं सबके सब। सारे घर का काम तो मुझे ही करना होता है। नहीं, मैं पहुंचा। बस बस ये लार तो उसे लड़ाओ। उस जमाने में 500 रुपए की महीने की ऑफर भी इन्होंने ठुकराया था। अपने सिर से कभी पल्लू नहीं हटाया, पराया मर्द को कभी छूने नहीं दिया। ये दोनों चीज से उनको बहुत आपत्ति थी। लीला मिश्रा जी, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में माँ, मौसी, दादी जैसे किरदार निभाने के लिए याद किया जाता है, उनकी फिल्म नानी माँ में 73 इयर्स में उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का उनको पुरस्कार मिला था। और बताओ कैसे हो? बस ठीक ही हूँ। नैन्सी के लिए कोई लड़का मिला? हाँ, एक मिला है। अच्छा, कैसा है लड़का? लड़का तो अच्छा है, मिलनसार, नेक, यहाँ आता भी है। कितने दिनों से पहचान है? 4 महीने होने को आए। ओहो, 4 महीना? हाँ? और अभी तक बात पक्की नहीं हुई? कहाँ हुई आंटी, रोजी 4 महीने हो गए, अभी तक लड़के की मंशा नहीं मालूम कर सकी कि शादी करेगा या नहीं करेगा। लीला मिश्रा जी की शादी महज 12 साल की उम्र में हुई थी, वो भी राम प्रसाद मिश्रा जी से। वो भी एक अभिनेता थे जो वो उस समय के मूक फिल्मों में काम किया करते थे। कहा जाता है कि जिस समय लीला मिश्रा जी ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था, उस समय फिल्मों में महिलाएं कलाकार नहीं मिलती थी, इसलिए महिला कलाकार को बहुत ज्यादा वेतन पे करने के लिए भी तैयार रहते थे। जैसे नासिक में फिल्म में सती सलोचना नाम की मूवी में उस शूटिंग के लिए इनको 500 रुपए प्रति माह की एक पेशकश की गई थी, वही उनको पति को मात्र 150 रुपए के वेतन में रखा गया था। हालांकि लीला जी ने सती सुलोचना मूवी में काम करने से इनकार कर दिया था क्योंकि महिलाएं अपने सिर पे पल्लू रखा करती थी। फिर लीला जी इस नियम को सख्ती से पालन करती थी और पराया मर्द उनको छू नहीं सकता, ये भी उनकी सीधे सीधे कंडीशन थी और ये इस कारण इन्होंने ये इसको ठुकरा दिया ऑफर को। बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी। एक्चुअली लीला मिश्रा जी रायबरेली की रहने वाली थी, वो और उनके पति एक जमींदार परिवार से थे। 17 जनवरी 1988 में उनका निधन हो गया 80 साल की उम्र में। उनका जो सफर था 1936 टू 1988, इस सफर में उनकी काफी अच्छी एक्टिंग रही। आपको पता होगा दादी, मौसी ऐसे जो किरदार होते थे यही निभाते थे। और हम सबको अगर कोई कहना चाहे मौसी तो इनका ही चित्र हमारे सामने आ जाएगा, इतने में गारंटी से कह सकता हूँ। जीनत बिटिया तुम्हारी मत मारी गई है, अल्लाह ना करे कहीं सर्दी समा गई तो जान के लाले पड़ जाएंगे। आपको ध्यान में होगा तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी लीला मिश्रा जी का छोटा सा सफर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।